हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टर्की रिव्यूज़। तो कैसी है टर्की रिव्यूज़ की जनता, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो नेपाल पर है और नेपाल में कोई क्रिकेट स्टेडियम जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसके जो है ना ऊपर मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना है। और साथ ही साथ ठंड बढ़ गई है, इस वजह से मुझे जो है इसमें आना पड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है, मुझे नहीं पता कि नेपाल में क्या वेदर का कंडीशन है, तो मुझे आप लोगों ने प्लीज़ बताना है। वहाँ पे तो जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं जो कि लोग ट्रैक, पहले तो आई थिंक स्नो वहाँ पे पड़ती भी है, आई थिंक सो, तो कंफर्म नहीं है मुझे, तो आप लोगों ने बताना है। लेकिन बहुत ही मुझे ना ठंड ज़्यादा पसंद है समर के नस्बत, विंटर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सीन ये है कि समर के अंदर जो है ना जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, इस सिटी का, मैं पाकिस्तान में एक पंजाब में सिटी है भावलपुर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे जो इस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर अभी तो आई थिंक होगा कोई 20 के राउंड अबाउट, कंफर्म नहीं है। तो लेकिन जो समर है उसमें यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से भी अबव चला जाता है। तो उस सिचुएशन से मुझे ये वाली सिचुएशन फिर भी अच्छी लगती है, क्योंकि कुछ अच्छे कपड़े पहनने को, लाइक सम विंटर टाइप कपड़े पहनने को मिल जाते हैं, तो सूट करता है ये सब कुछ ना। तो बैक वापस आते हैं हम वीडियो की तरफ, तो ये टॉपिक बदल गया था काफ़ी ज़्यादा, तो दोबारा से वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो मुझे तो थंबनेल से बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा इस पर रिएक्शन देना चाहिए कि एक बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है। इससे ये होगा कि नेपाल का जो क्रिकेट है वो और मज़ीद ग्रो करेगा। तो अभी भी मैं सोच रहा था काफ़ी अच्छे अच्छे स्पिनर्स आ गए हैं नेपाल में, तो उनकी जो मीन्स की क्रिकेट टीम है वो पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। होप्स हो के नेक्स्ट एशिया कप में हम उन्हें भी अपने साथ टकड़ा देखें 1-1 का। तो पाकिस्तान वर्सेस नेपाल हो सकता है, बट कबड्डी में तो है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। लोग स्पोर्ट्स में आते हैं, गन्स वगैरह ये वार शॉर से साइड पे होकर स्पोर्ट्स वाली वार फिर भी अच्छी लगती है, मज़ा भी आता है। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ, टाइम बहुत ही शॉर्ट है, तो वीडियो देखते हैं कैसी है, उसके बाद फिर रिएक्शन देते हैं। 1-2-3 लेट्स गो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालीको मान र शान बढाउन तथा केही खुसीका पलहरू दिन सफल क्रिकेट खेलका लागि जनस्तरबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम बनाउने काम दिनरात नभनी चाड पर्वमा पनि नरोकी धमाधम जारी छ। आज यही विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। 22 बिघा क्षेत्रफलमा रहने यो रङ्गशाला करिब 3 अर्बको लागतमा सम्पन्न हुने अनुमान छ। विक्रम सम्बत 2075 असोज 19 गते भरतपुर महानगरपालिका, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालय बीच जग्गाको विषयमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले कामलाई गति दिएको थियो। फाउन्डेसनको यो राष्ट्रिय गौरवको कामलाई 3 करोड नेपालीको साथ र सहयोग रहँदै आएको छ। यो महत्वाकांक्षी परियोजनाको काम दसैँ, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वहरूमा पनि नरोकिने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण देशभर लकडाउन भएका बेला पनि यस रङ्गशालामा निर्माण भने निरन्तर जारी थियो। वैशाख 20 गतेदेखि 30 जना कामदारबाट निर्माणको काम पुनः सुचारू गरेका हौँ। साउनदेखि करिब 200 जना मजदुर कार्यरत छन्। यहाँ कार्यरतहरूले आफ्ना लागि ठुलो चाड नै यो रङ्गशालाको निर्माण भएको बताएका कारण काम निरन्तर जारी रहेको जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। रङ्गशालाको 360 पिलरहरूमध्ये 200 पिलरहरू ठडाइसकेको छ। स्ट्यान्ड एमा रहेका सबै 135 पिलरहरू राखिसकेको छ र यहाँ अहिले ढुङ्गाको पर्खाल लगाउने काम जारी छ। स्ट्यान्ड बीको चाहिँ 65 पिलरहरू ठडाइसकेको छ र बाँकीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। परियोजना व्यवस्थापक जनार्दन शर्माका अनुसार रङ्गशालाको बाँकी 2 स्ट्यान्डको जगको ढलान 60% सकिएको छ। त्यसै गरी टाइबिमको काम 13% सकिएको छ। साथै
मैदानको कामले यस अघि नै 85% सकिसकेको छ। कोरोना भाइरसका कारण देखाउँदै धेरैजसो विकास आयोजनाहरूको काम प्रभावित भएका छन्, तर यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा भने निरन्तर काम भइरहेको छ, अध्यक्ष कटेलले बताउनु भएको छ। गएको माघमा लगाइएको बृहत धन धान्य चल महोत्सवबाट 8,46,30,000 नगद सङ्कलन भएपछि यसको निर्माण सुरु गरिएको थियो। निर्माणमा असोज मसान्तसम्म 30,55,12,000 रुपियाँ खर्च भइसकेको छ भने हालसम्म 24,14,60,000 रुपियाँको आर्थिक स्रोत जुटेको फाउन्डेसनका आर्थिक प्रशासन प्रमुख मुक्ति तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभएको छ। यसरी हेर्दा फाउन्डेसनको हालको अवस्थामा पनि 6,40,52,000 रुपियाँ ऋणमा रहेको छ। हालसम्म यस अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट स्टेडियम निर्माणमा सरकारी निकायबाट भएको केही सहयोगहरूमा बागमती प्रदेश सरकारले 3 करोड, भरतपुर महानगरपालिकाले 2 करोड, हेटौडा उपमहानगरपालिकाले 30 लाख सहयोग गरेका छन् भने केही स्थानीय तहले बालुवा, ढुङ्गा, गिटी सहयोग गरेका छन्। 3 करोड नेपालीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोगमा बन्न लागेको यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टेडियमले नेपालमा नेपालीले चाहे जे पनि सम्भव पार्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिँदैछ। नेपाललाई मात्र नभएर विश्वलाई नै एउटा स्टेडियम दिँदैछ। सरकारलाई जनता विकासप्रति कति उत्साहित छन् भन्ने सन्देश दिँदैछ। यो तपाईँ हाम्रो आफ्नै स्टेडियम हो र योसँग हाम्रो प्रतिष्ठा पनि जोडिएको छ, त्यसैले देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीले यस कार्यमा आफ्नो सहयोगी हात अगाडि बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँलाई आजको भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। तो दोस्तों वीडियो होती है यहाँ पर ख़त्म। मुझे तो बहुत मज़ा आया वीडियो देखने में। उसके सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यार काफ़ी प्रमोट होगा इससे ना जो है नेपाल का क्रिकेट, उससे मींस के ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें होने से जो प्लेयर्स होते हैं ना, ठीक है, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हमारा कंट्री, ठीक है, इस वक्त क्रिकेट को लेकर या किसी भी अदर स्पोर्ट्स को लेकर कुछ सोच रहा है और वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो ये एक प्लेयर के लिए ना पोटेंशियल होता है कि उसको कॉन्फिडेंस और बूस्ट मिलता है इन चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में नेपाल जो है ना एशिया कप में तो आने ही वाला, और देखते हैं फिर कैसी टीम बनती है इनकी। तो अभी भी काफ़ी अच्छी है, कुछ अभी भी बॉलर्स ऐड हुए हैं, उनके नाम मुझे थोड़े से याद नहीं है, तो आप लोग जानते होंगे उनको क्योंकि मैंने देखे हैं, ऐसा नहीं कि देखे नहीं है, लेकिन स्पिनर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं नेपाल के पास। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देखकर, प्लस साथ ही इसके एक आई थिंक जो है ना फुटबॉल ग्राउंड भी है, तो नेपाल फुटबॉल, कबड्डी और क्रिकेट ये 3 स्पोर्ट्स तो उनके काफ़ी माने जाते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।